बाद आए हैं इससे मिलने, इसलिए नाराज है और कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से लात मार रहा है। हेलो बेबी, हाउ आर यू? सब ठीक है ना? खाना पीना तो बराबर मिल रहा है? अगर तुम्हारी माँ कंजूसी कर रही हो ना तो बता देना हमें। यहाँ तो बेबी और उसके पापा में बातचीत चल रही है। क्यों रंजना, ये सही मौका है ना? जी। अरे तुम भी कुछ बोलो। जैसा आप कहें। अरे किस मौके की बात कर रहे हैं आप दोनों? हम सोच रहे थे कि आज शाम को इमली की गोद भराई की रस्म कर दी जाए। पिक्चर देखने कौन जाता है सूरज? उबासी आती रहेंगी, पिक्चर का मजे का खा गएगा। और हमें तो लगा कि इतने सवेरे तुम हमसे कोई काम है इसीलिए बुला रहे, पर तुम तो। अरे वो सड़े हुए लोग होते हैं जिनकी बरसों से शादी हो गई होती है, वो जाते हैं नाइट शो में। हम जैसे प्यार करने वाले कभी भी जाते हैं, नाइट हो या मॉर्निंग। अब तुम यहाँ पर वेट करो, हम बेसमेंट जा रहे हैं 10 मिनट के लिए, कुछ काम है हमें, आते हैं। पर सूरज हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें पता है ना आज शाम को इमली की गोद भराई है, हमें कितने काम है, हम पिक्चर देखने नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? शर्म करो तुम, हमारा छोटा भाई बाप बनने वाला है वो, और उसकी बीवी की गोद भराई है, और हमारे सहरे के फूल अभी तक खिले भी नहीं है। शेम 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 शेम। तुम सच में जंगली बिल्ली, इंसानों की तरह प्यार करना ही नहीं आता है तुम्हें, जीरो रोमांस के मामले में। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी रस्म है, हमें तो बहुत कुछ कहना है इमली के कानों में। सूरज तुम क्या बोलोगे? हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि तुम्हारी मौसी जो भी बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। लड़की को इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है, अपने ढंग से हम ऐसे इसकी औकात दिखाएंगे, फिर नहीं भिनभिनाएगी मक्खी की तरह सूरज के आसपास। बहुत उड़ रही है ये चिड़ैया, दिखाते ऐसे। हमारा होने वाला राजवंशी परिवार का पोता राजवंशी परिवार में बहुत सारी खुशियां, समृद्धि और प्यार लेकर आए। गिरजा ये गरीबों में बांट दो। कमल जी उतारा की रस्म तो हो गई, कुछ बोलिए भी। अच्छा ये भी रस्म का हिस्सा है। रंजना सुखी रहो। ले बच्चा इत। हाँ घनश्याम जी बताइए। अरे आप पैसे की चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। कल तक का समय दे दीजिए, 75 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। खुश 75 लाख रुपए? अगर इनके अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है तो रागिनी किसका पैसा खर्च कर रही थी गन फैक्ट्री पे? कौन हो सकता है? और अगर उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है तो हो सकता है रागिनी को जेल से उसी ने निकाला। ये भी हो सकता है कि रागिनी अपना बदला लेने के लिए वापस भी आ जाए। मैं बहुत होशियार रहना और सबसे पहले चकोर को बताना जरूरी है। नहीं, आज अपना या किसी और का मूड खराब नहीं करेंगे। आज हमारी इमली की गोद भर आई। हमने कहा था ना सूरज, कमल नारायण हमसे नफरत करते, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना। चकोर तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें सच में विवान और इमली की चिंता हो और वो नहीं चाहते हो कि कोई अपशकुन हो जाए।
मगर सूरज। मगर क्या चकोर, वैसे क्या गलत कहा उन्होंने, हम दोनों विवाहित थोड़ी ना है। अगर वो नहीं रोकते तो कोई और रोक देता यहाँ पर। उनके बारे में सोचने से अच्छा है हमारे विवाह के बारे में सोच। तो फिर ये क्या है सूरज, क्या है ये? टुकड़े भी हमें तुम्हारे बेडरूम से ही मिले। अब तुम ही बताओ कि ये टुकड़े कौन कर सकता है इस तस्वीर के? मगर चकोर ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया हो। तो और कौन कर सकता है सूरज? कौन है जो हमारा दुश्मन है? कौन है जो हमसे नफरत करता है? कौन है जो हमें तो हमें एक तस्वीर में हमें एक साथ नहीं देख सकता? पुरानी फोटो थी भाई, दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, तो तस्वीरें भी बदलनी चाहिए। नई तस्वीरों के बारे में सोचो भाई। तेरी तस्वीर तो अब हमेशा के लिए बदल जाने वाली है चकोर। अरे दोस्तों, क्या हुआ, ये उदासी क्यों छाई हुई है? हवेली की इकलौती बहू की गोद भर आई है, राजवंशी परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। चलो ढोल बजाओ, नाच गाना हो जाए। चलो किया तो इन्होंने, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करने वाले। मालिक ये वही पेपर है जो आपने मंगाए थे। इतने दिन आपकी तबीयत खराब रही तो यह हवेली शमशान लग रही थी, मगर अभी आपकी तबीयत ठीक हो गई तो अब मजा आएगा मालिक। कमल नारायण जरूर कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, या फिर वो फिर से कोई शैतानी योजना बना रहा है। आपकी तीर का जवाब नहीं मालिक, किसी भी दिशा में चलाइए मगर जाकर लगेगा निशाने पे। अब कुछ हलचल होगी मालिक। हलचल नहीं रहे सीखो, भूचाल आएगा। भूचाल आएगा। अभी अभी तो कमल नारायण राजवंशी की वापसी हुई है, देखते जा देखते जा पूरा साफ कंझेल जाएगा। बहुत मक्कार आदमी, सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है मगर अंदर से बिल्कुल नहीं बदला, जैसा था वैसा ही। सूरज को चल के बताते हैं। हम जाकर देखते हैं मालिक। कौन? जो था वो जा चुका। कौन मालिक? वही तो थी छिपकली, चकोर चकोर थी। मालिक अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? माँ को बहुत शांति मिलती है। चीयर्स। आत्मा तृप्त हो गई भाई, आत्मा तृप्त हो गई। अरे वाह, ये देखो बच्चे के आने के पहले ही इतने सारे खिलौने इकट्ठे हो गए। देखो विवान, हमें तो लगता है कि इस हवेली में एक नन्ना मुन्ना तूफान आने वाला है जो हम सबकी कमर तोड़ेगा, इतना दौड़ाएगा सबको पीछे। होने वाले ताऊ जी, हम तो कहते हैं अभी से अपनी कमर का इंश्योरेंस करवा लो तुम। रुच को बताना जरूरी है, अगर इन लोगों के सामने बताएंगे तो विवान और इमली बेकार में परेशान हो जाएंगे। सूरज को यहीं बुला लेते हैं। सूरज, चकोर तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ देखो ना, इतने सारे खिलौने आए। दीदी देखना, ये सारे खिलौने कैसे हैं?